सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, दिशा पाटनी की योद्धा फिल्म देखकर आ रहा हूं थिएटर से। इस फिल्म को बनाने से पहले करण जौहर ने इसके मेकर्स को कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन देके रखा था कि अगर हमें हाईजैक वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म बनानी है तो हमें कोई टिपिकल बॉलीवुड मसाला ऐड नहीं करना है। दूसरा, हमें कोई भी नॉनसेंस या फालतू के सीन्स, फालतू के गाने ऐड नहीं करना है। तीसरा, हमें फिल्म को फुल्ली फास्ट पेस रखना है। तो मेकर्स, अगर आप लोगों ने इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों का पगार कट एंड ब्रेक टाइम में नो बटर चिकन, ओनली आचार पूड़ी विद अनफिल्टर्ड वाटर। और फिर भैया मेकर्स को भी समझ गया कि हमें इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में करण भैया हम पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं योद्धा मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द इंटरवल एंड टिल द क्लाइमेक्स, अगर मुंह में गोटी आना एक कहावत है और उसका एग्जांपल कोई हो सकता है तो वो योद्धा मूवी होगी, बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म विद अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड विद एक्सीलेंट एक्शन सीक्वेंस। पूरी फिल्म के दौरान जो टेंशन नजर आता है वो आपको आपका पर्सनल टेंशन भुला देगा, इतना सही बैलेंस किया है। ऊपर से थ्रिलिंग बीजीएम, भाई गांड के चार भाग कर दे, ऐसा एक्सपीरियंस मिला है थिएटर में। सिद्धार्थ मल्होत्रा का एंट्री सीन जो वन शॉट में था उसको इतना सॉलिड शूट किया, प्लस एक्शन सीक्वेंसेस जितने भी प्लेन के अंदर थे, प्लस वो बाथरूम के अंदर एक्शन सीन्स, प्लस 360 डिग्री प्लेन रोटेट हो जाता है फिर भी अंदर एक्शन चलता है, वो देखकर आप बोल दोगे कि दिस इज वेरी टफ टू शूट एंड कैसे किया ये लोग ने, एंड वो सारे सीक्वेंसेस इतना कूल लगते हैं। अरे भाई, सिद्धार्थ मल्होत्रा का हीरोइज्म दिखाया, वो भी बिना ओवर द टॉप एक्शन कराए हुए, इसी पे ही फिल्म असली लग जाती है आपको। फिल्म की स्टोरी फिक्शनल है तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आप मजे के माहौल में खुद ब खुद ही चले जाते हो। वही परफॉर्मेंस की बात करूं तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन और आंखें, राशि खन्ना के बातें एंड दिशा पटानी के लाते, भाई तीनों के तीनों लोग आपका दिल हाईजैक कर देगी। दे वर सो सुपर्ब। इनफैक्ट राशि खन्ना एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की केमिस्ट्री वाज लाइक तंबाकू एंड चूना, इतना परफेक्ट एंड इतना ऑसम लगता है, ऐसा लग रहा था कि उनके ग्लिम्स हम और देखते रहे। डायलॉग्स भी फिल्म के अंदर वही डाले गए जहां जरूरी लगे एंड उसको भी फिल्मी होने नहीं दिया। एक जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा टेररिस्ट को मस्त डायलॉग बोलता है कि तुम्हें ना कश्मीर मिलेगा ना ही उसकी तस्वीर मिलेगी, ले चल सीधा बवासीर मिलेगा। आई मीन मतलब जो लात मारता है वही पैसा वसूल हो जाता है। बाकी साउंड डिजाइन, कॉस्ट्यूम, सेट्स वगैरह सब परफेक्ट लगते हैं। गाने भी वही डाले जहां जरूरी लगे, वो भी बैकग्राउंड में, वरना मुझे लगा कि यार इतने गंभीर सिचुएशन में हीरो हीरोइन से लिपसिंग करवा देंगे कि गोरे गोरे गाल तोरे छाती पे मोसंबी, बट ऐसा कहीं नहीं हुआ। सो ओवरऑल योद्धा एक ऐसी परफेक्ट फिल्म है जो बहुत ही कम आती है, जिसको आप कोई भी कीमत पे मिस मत करो। आप भले राशि खन्ना एंड दिशा के लिए जाओगे लेकिन फिल्म देखने के बाद आपकी खुद की दिशा बदल जाएगी, ये फिल्म का माहौल होता है। मैं इस फिल्म को दूंगा 4.5/5 स्टार, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।